पटना का बहुत ही खास और खूबसूरत जगह, राजधानी वाटिका, कि भारत नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराना लड़ाकू जहाजों में से एक है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर इस जगह पे आइए तो जिंदगी का असली मजा आप लोगों को यहीं पे आने वाला है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइज, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइज, इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पटना का बहुत ही खास और खूबसूरत जगह को। फरवरी का महीना तो एक रोमांटिक प्लेस को दिखाना तो बनता है, तो वो कौन सा जगह है उस जगह पे पहुँच के आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। तो फाइनली पहुंच गए हैं पटना का बहुत ही खास और खूबसूरत जगह पे, जो कि देख सकते हैं मेरे पीछे राजधानी वाटिका, जिसे हम लोग इको पार्क के नाम से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ही आप लोगों को बता देते हैं गाइस कि दिल थाम के बैठिएगा भैया, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला, लेकिन बहुत ही मजा आप लोगों को इस वीडियो में आएगा, क्योंकि ये पार्क जो है बहुत ही बड़ा है। बहुत बड़ा है तो इसे एक्सप्लोर करने में भी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इसे हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस पार्क को कंप्लीट वीडियो आप लोगों को इसमें मिलेगा देखने को। तो एक एक करके पूरा पार्क को एक्सप्लोर करेंगे, तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए पार्क के अंदर से। टिकट लेके पार्क के अंदर एंट्री कर चुके हैं, मात्र 20 रुपया है इस पार्क का टिकट चार्ज। ये पार्क को 2011 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया था। इस पार्क को टहलने का मार्ग 1445 मीटर है। गाइस, तो शुरुआत करते हैं थीम पार्क से, जिससे कि पार्क की खूबसूरती बढ़ती है। जो कि देख सकते हैं मेरे पीछे है, थीम पार्क है, एक से बढ़ के एक डिजाइन किया गया ये पार्क है। अंदर बच्चों को खेलने के लिए दो चिल्ड्रन पार्क है, जो कि देख सकते हैं गाइस स्मॉल है लेकिन बहुत ही अच्छा है। दो है, एक इस साइड है और एक उस साइड है। तो इस साइड वाले में अभी हम आए हुए हैं और दिखा रहे हैं आप लोगों को, इस साइड काफ़ी बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। और एक उस साइड है, छोटा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये स्पेशल बच्चे के लिए है। दिखाते हैं आप लोगों को बैक कैमरे से, अभी भी काफ़ी बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। गाइस, तो इस फाइटर प्लेन के बारे में आप लोगों को बता दें कि भारत नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराना लड़ाकू जहाजों में से एक है ये। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना ने 1965 में पाकिस्तान और 1971 में चीन के खिलाफ होने वाले युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। इसका लंबाई और चौड़ाई सभी कुछ जहाज के जस्ट नीचे में सभी कुछ लिखा गया है। उसके पास चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, इसका सारा कुछ डिटेल वहां पे नीचे लिखा गया है। बेटे, ओ बेटा मौज कर दी, हाँ मौज। प्लेन के नीचे में सारा इसका डिटेल यहाँ पे लिखा गया, जो कि देख सकते हैं। फिर भी हम आप लोगों को मेंशन कर देंगे इस जगह पे, और आप लोगों को बताते कि इसका लंबाई 55 फीट है, चौड़ाई इसका 23 फीट है, जो कि देख सकते हैं काफ़ी लंबा ये है प्लेन। और सारा कुछ देख सकते हैं चारों तरफ से डिटेल में सभी कुछ इसका लिखा गया, और इसका उद्घाटन कौन किए वो भी लिखा गया, जो कि सुशील कुमार मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। काफ़ी बड़ा है सब, बहुत सारा इसके बारे में डिटेल है काफ़ी, अगर बताना चालू करेंगे तो पूरा वीडियो इसके बारे में ही भर जाएगा। तो शॉर्ट में आप लोगों को बता दिए हैं, आप चलते हैं किसी नेक्स्ट जगह पे। इको पार्क का सबसे खूबसूरत और आकर्षक केंद्र है, जो कि देख सकते हैं 70 फीट ऊंचा ये पहाड़ के आकार का बना ये झरना, जो कि इस पार्क का सबसे खूबसूरत लोकेशन माना जाता है। हालांकि अभी ये झरना बंद है, लेकिन ये झरना जब चलता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस गार्डन का सबसे बेस्ट लोकेशन फोटो एवं वीडियो के लिए यही लोकेशन माना जाता है। और एक उस साइड है, जो कि देख सकते हो फ्लाइट वहां पे जो लगा हुआ है वो, ये इस साइड जो है वीडियो एवं फोटो का सबसे बेस्ट लोकेशन माना जाता है।
राजधानी वाटिका। इस पार्क को अगर घूमने के लिए अगर आप आते हैं तो एकदम शांति से रिलैक्स होकर आइएगा, क्योंकि 6-7 घंटा लगेगा इस पार्क को पूरी तरीके से घूमने में, और घूमने में टाइम जो भी लगे लेकिन काफ़ी मज़ा आप लोगों को इस पार्क में घूम के आएगा। इस पार्क में आप लोगों को वो सभी कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोग खोजना चाहते हैं, जो कि आप लोगों को पसंद हो। यानी कि इस पार्क में अगर आप आते हैं तो किसी और पार्क में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ इस पार्क में अवेलेबल है। और गाइस अभी हम आ चुके हैं इको पार्क के एडवेंचर पार्क में, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग एडवेंचर टूर कर सकते हैं और देख सकते हैं। कैसा लग रहा है बाबू, मज़ा आ रहा है या बाबू ब्लॉग्स? सो देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं आप लोगों को किस किस तरह का एडवेंचर आप यहाँ पे कर सकते हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर इस जगह पे आइए तो जिंदगी का असली मजा आप लोगों को यहीं पे आने वाला है भाई। मतलब कह नहीं सकते, बहुत ही जब देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो फिर करने में इतना ज़्यादा मज़ा आता होगा आप लोगों को। देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना बच्चे एवं बड़े सभी के लिए है, और सभी लोग यहाँ पे आगे एडवेंचर टूर कर सकते हैं। जिप लाइन और बर्मा ब्रिज दोनों है, जो कि देख सकते हैं इस साइड है जिप लाइन और ये बर्मा ब्रिज। एक राउंड का 100 रुपया चार्ज है, लोग आसानी से आके कर सकते हैं यहाँ पे। एक ब्रिज है जो कि देख सकते हैं, ये फोटो शूट का बेटर लोकेशन है। नीचे पानी जाने के लिए रास्ता बना हुआ है बट अभी सूखा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा बोट भी है। हो सकता है इस नीचे से बोट राइड करने के लिए बनाया जाए, बट जो भी हो ये अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छा है। बेटा अभी आपके पास कौन दिख रहे हैं? एक अंकल है, पिंक कलर का टी शर्ट है, हाँ? और ब्लू कलर का जींस है, ब्लैक कलर का शूज है। बहुत ये बंद आंखों से इस बच्चे की कंसंट्रेशन इतनी तेज हो चुकी है कि ये बच्चा वो सब कुछ कर सकता है जो हम सभी खुली आंखों से कर सकते हैं। अच्छा, बंद आंखों से ये सब कुछ। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाता है। एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ, या इधर देखो बाबू, अभी आपके पास में यहाँ पे कौन कौन दिख रहे हैं? एक आंटी है और एक अंकल है, बालून लिए हुए, दो बालून लिए, बहुत बढ़िया। और बेटा सीधा आपको सीधा आते जाओ सर। वाह वाह वाह, एक मिनट, अभी क्या है? बोटिंग का है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पानी है आगे, बहुत रियली में ये बिना देखे सभी कुछ बता रहा है। क्या नाम हुआ सर? क्या नाम है बेटा आपका? आयुष। कहाँ से रहने वाले हैं? ये हमारे बच्चों की स्पेशल ट्रेनिंग होती है। वाह 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 यार, बिलीव नहीं हो रहा है कि बिना देखे ये सच में ये सभी कुछ बता रहा है। अभी जो आप लोगों को जो बच्चे दिखा है तो जो बंद आंखों में सभी कुछ देख सकता है, बता सकता है, उसका ये ऑनलाइन क्लास का सारा डिटेल लगा है, सब आप लोगों को दिखा देंगे। अगर किन्हीं लोगों को करना हो तो इस लोकेशन पे जाके आप लोग इनके बारे में पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं वोटिंग के लिए है, यहाँ पे आप लोग सामने में आप लोगों को टिकट काउंटर मिल जाएगा, टिकट लेके वोटिंग कर सकते हैं। हर एक टाइप का बोट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं जो भी बोट से आप लोगों को घूमना हो घूम सकते हैं। गाइस तो सरकार के आदेश अनुसार पार्क को मात्र 2 बजे तक ही खुला रखने का आदेश दिया गया है, तो अभी तक जितना आप लोगों को दिखा पाए आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। फिर से इसके बारे में एक और नए वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों को जो बचा कुचा जगह होगा वो सभी कुछ हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये जो है इको पार्क को 2 भागों में बटा हुआ है, एक भाग कंप्लीट दिखा चुके हैं आप लोगों को, दूसरा भाग जो होगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर दिखाएंगे, ये मेरा वादा आप लोगों से। तो प्लीज़ ये वीडियो को आप लोगों प्यार और सपोर्ट बनाइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, इसके बाद सेकंड पार्ट जरूर आप लोगों के लिए लाएंगे। सो बने रहिएगा हमारे साथ।